सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में ये लेक्चर 20 का पार्ट 1 है। लेक्चर 20 में हम पॉइंटर्स, जो कि सी लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जानेंगे। पॉइंटर्स जानने से पहले एक मैं छोटा सा प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करके आपको दिखाता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि पॉइंटर्स की आखिर हमें नीड क्यों पड़ी, क्या करता है पॉइंटर, कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं 20 के डिफरेंट पार्ट्स में बताऊंगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम करिए स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल्स का, और फिर जरा देखते हैं कि आखिर पॉइंटर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या करेगा ये। तो ये सारी चीज़ें जानने से पहले आइए छोटा सा प्रोग्राम पहले कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं अपना कोड ब्लॉक्स ओपन कर लिया, और मैं यहाँ प्रोग्राम लिखता हूँ अपना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक स्वैप फंक्शन बनाऊँगा जो कि रिटर्न मुझे कुछ नहीं करेगा, और ये दो वैल्यू लेगा। स्वैप जानते हैं कि दो वेरिएबल्स का स्वैपिंग मतलब होता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वैल्यू वेरिएबल में और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पहले वाले वेरिएबल में डाल देना, इसको स्वैपिंग कहते हैं। जैसे इंट ए इंट बी, तो ये होगा कि दो इंटीजर टाइप वैल्यू लेगा ये ए और बी, जो कि फॉर्मल आर्गूमेंट्स हैं। और ये करेगा क्या, सिंपल एक थर्ड वेरिएबल हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे, इंट टेम्प, टेम्पोररी वेरिएबल। अब क्या करेंगे कि टेम्प में हम ए डाल देंगे, आई होप कि स्वैपिंग क्या ये जो सुडो कोड है आपको पता हो। टेम्प में ए डाल देंगे और ए में हम डाल देंगे बी, और बी में टेम्प डाल देंगे। बेसिकली होगा क्या कि जो ए की वैल्यू है वो बी में चली जाएगी और जो बी की वैल्यू है वो ए में आ जाएगी। कैसे, तो ए की वैल्यू आ गई टेम्प में, तो टेम्प में ए की वैल्यू स्टोर हो गई यहाँ पे, और ए में हम क्या किए बी का वैल्यू डाल दिया, मतलब ए बी की जो वैल्यू है वो ए में स्टोर हो गई, और बी में फाइनली टेम्प जो कि ए का वैल्यू रखा है उसको डाल दिया। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि प्रिंट कर लेंगे दोनों को। द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, और यहाँ पे हम ए की वैल्यू फेच कराएंगे, एंड द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, यहाँ पे हम बी की वैल्यू फेच करेंगे, तो ए कमा बी। तो ये हो गया हमारा पूरा एक फंक्शन जो कि दो इंटीजर वेरिएबल लेगा और दोनों की स्वैपिंग करके वो रिजल्ट प्रिंट करा देगा, सिंपल। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि दो वैल्यू फिर से डिक्लेयर करेंगे, और यहाँ पे हम इसको इंटर कराएंगे यूजर से, और सिंपल प्रिंट एफ ए की वैल्यू इंटर करने वाली मैसेज आएगा वहाँ पे। उसके बाद जो है ए की वैल्यू इनपुट ले लेंगे स्कैनअप से, अगेन यही चीज हमें बी के लिए करना है, कॉपी एंड पेस्ट। बी के लिए अब सिंपल मुझे स्वैप फंक्शन को कॉल करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, स्वैप ए कॉमा बी। मेरा पूरा कोड रेडी है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि ए और बी नाम का दो वेरिएबल लिया, इसमें ए की वैल्यू इनपुट कराई, फिर बी की वैल्यू इनपुट कराई, और उसके बाद मैंने क्या किया कि स्वैप ए कॉमा बी को कॉल किया, और स्वैप जैसा ही कॉल होगा तो ये वैल्यू प्रिंट होगी हमारे पास, और स्वैपिंग स्वैप्ड वैल्यू प्रिंट होगी हमारे पास। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। इंटर द वैल्यू ऑफ ए लेट्स से 12 एंड इंटर द वैल्यू ऑफ ए लेट्स से 23। द वैल्यू ऑफ ए, देखिए स्वैप हो गया, वैल्यू ए का हम 12 डाले थे लेकिन वैल्यू ए का जो अभी है हमारे पास वो 23 है, एंड द वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 12, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया सिंपल प्रोग्राम जहाँ वैल्यू स्वैप हो गई। अच्छा अब एक चीज़ क्या करते हैं, हम इसको यहाँ ना प्रिंट करा के हम मेन में प्रिंट कराते हैं। स्वैप वहाँ की है, स्वैप को कॉल करने के बाद हम क्या करते हैं मेन में प्रिंट कराते हैं। अब देखते हैं क्या वैल्यू स्वैप होती है क्या। फिर से ए की वैल्यू हम डालते हैं लेट्स से 12 और बी की वैल्यू 23, लेकिन यहाँ तो अभी ए की वैल्यू 12 और बी की वैल्यू 23 ही प्रिंट कर रहा है हमारे पास, यहाँ पे तो स्वैप वैल्यू प्रिंट हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, आइए इस बात को जानते हैं ज़रा। तो पहले जब हम स्वैप फंक्शन को कॉल कर रहे थे यहाँ से, और इसी के अंदर जब ए और बी की वैल्यू प्रिंट करा रहे थे, तो
जैसे ही मैंने स्वैप फंक्शन को कॉल किया था, ए और बी की वैल्यू जो है यहाँ कॉपी हो गई इस ए और बी में, और इस ए और बी में यहाँ पे 12 कॉपी हो गया और यहाँ पे 23 कॉपी हो गया। जैसे ही कॉपी हुआ फिर यहाँ पे स्वैप हुआ, और स्वैप करा के तुरंत बाद हमने प्रिंट करा दिया। लेकिन एक्चुअल मेमोरी में तो हमने छेड़छाड़ की नहीं, जैसे मेमोरी में जहाँ वो स्टोर था वहाँ पे तो कुछ फेरबदल हुआ नहीं, बस सिंपल यहाँ पे हमने स्वैप कराया और यहाँ पे प्रिंट करा दिया। लेकिन जैसे ही हमने मेन के अंदर इसे प्रिंट कराया तो वो एज इट इज वैल्यू प्रिंट कर रहा है, जबकि मैंने स्वैप के बाद इसको प्रिंट कराया है। तो इसको जरा मेमोरी डायग्राम से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या, फिर आपको पता चलेगा कि हम पॉइंटर का यूज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया, तो एक ब्लॉक बन गया होगा मेमोरी में जिसका साइज 4 bytes होगा और इसका नाम ए डिक्लेयर हो गया होगा। ठीक इस तरह से मैंने एक और वेरिएबल बनाया, लेट्स से बी, और बी का एक ब्लॉक बन गया होगा मेमोरी में, और इस तरह से इसमें हमने 12 डाला था ए में और इसमें 23 डाला था। ठीक है, इसमें 23 डाला था। लेट्स से ए में 12 और बी में 23 हमने डाला था। अब इसके बाद हम जरा कोड को देखते हैं कि पहले वाले सिनेरियो में क्या हुआ था हमारे पास। पहले हमने क्या किया था कि इस प्रिंटफ को स्वैप फंक्शन में कॉल कराया था, यहाँ पे हमने प्रिंट कराया था इसको। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट जैसे ही कराया तो हमारे पास स्वैप वैल्यू प्रिंट हुई थी, 12 और 23 हमारे पास स्वैप वैल्यू प्रिंट हुई थी। लेकिन जैसे ही मैंने मेन के अंदर प्रिंट कराया, पहले ये समझते हैं कि आखिर यहाँ पे स्वैप वैल्यू क्यों प्रिंट हुई। तो देखिए क्या हुआ, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ये एक्चुअल ए और बी की वैल्यू इस वाले फंक्शन में तो यूज हो ही नहीं रही है। पहली चीज, यहाँ पे तो एक अलग मेमोरी क्रिएट हो रहा है हमारा ए और बी, कैसे? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फॉर्मल आर्गुमेंट जो है एक्चुअल आर्गुमेंट से अलग होता है और वो अलग मेमोरी क्रिएट करता है और उसकी कॉपी वहाँ बन जाती है। जैसे ये ए और बी जो हमने स्वैप में बनाया वो अलग बना होगा मेमोरी में। जरा सिनेरियो को समझिए, पहला ए और बी जो मेन में है वो अलग बना होगा, और दूसरा ए और बी जो स्वैप में यूज कर रहे हैं वो अलग बना होगा। ठीक है, और जो हम स्वैपिंग कर रहे हैं इस फॉर्मल आर्गुमेंट में कर रहे हैं, ना कि इस एक्चुअल आर्गुमेंट में। ये हमारा एक्चुअल आर्गुमेंट है, ये ए और बी हमारा एक्चुअल आर्गुमेंट है, और ये ए और बी हमारा फॉर्मल आर्गुमेंट है। ठीक है, तो स्वैपिंग जो हो रही है यहाँ पे, जो 23 प्रिंट हो रहा है ये इस फॉर्मल आर्गुमेंट में हो रहा है, ना कि उस एक्चुअल आर्गुमेंट में। एक्चुअल आर्गुमेंट तो एज इट इज अभी बना हुआ है, वज कहते हो। तो इसीलिए जब हम स्वैप में प्रिंट करा रहे हैं ए और बी का वैल्यू, तो ये स्वैप वैल्यू प्रिंट कर रहा है, लेकिन हम मेन में प्रिंट कर रहे हैं तो हमारे पास ये वाला वैल्यू प्रिंट हो रहा है, ये दोनों वैल्यू प्रिंट हो रहा है, इसलिए एज इट इज प्रिंट हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, अब हम अगर उस हिसाब से हमें स्वैपिंग करनी है लेकिन मेन में स्वैपिंग हो जाए, जैसे एक्चुअल आर्गुमेंट में स्वैपिंग हो जाए लेकिन वो स्वैपिंग दूसरे फंक्शन में करके मुझे करना हो इसी तरह से, तब मैं यूज करूंगा पॉइंटर का। कैसे? तो मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल का जहां ये स्टोर है उस मेमोरी का एड्रेस पता करूंगा, उस मेमोरी का एड्रेस किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा, ऐसा मैं कर सकता हूँ। और यही चीज पॉइंटर है, पॉइंटर करता यही है कि एक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर लेता है। ठीक है, और इसका एड्रेस किसी दूसरे पॉइंटर में स्टोर करा लूंगा। ठीक है, और उस एड्रेस को ही इंटरचेंज कर दूंगा, मतलब ए अब इसको पॉइंट करने लगेगा और बी जो है अब इसको पॉइंट करने लगेगा। एक्चुअल आर्गुमेंट में मैं छेड़छाड़ कर दूंगा, तो जब आप ए और बी की वैल्यू आप प्रिंट कराएंगे एड्रेस इंटरचेंज कर दूंगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ए का एड्रेस किसी में दूसरे में दे दूं और बी का एड्रेस एक अलग वेरिएबल में दे दूं और उस एड्रेस को इंटरचेंज कर दूं, मतलब ए अब इसको पॉइंट करने लगे और बी इसको पॉइंट करने लगे, तो अपने आप वो जो स्वैपिंग होगी वो हमेशा के लिए हो जाएगी। लेकिन ये जो स्वैपिंग हो रही है एक पार्टिकुलर फंक्शन के लिए हो रही है। अब जब ये वाला स्वैपिंग करेंगे एड्रेस इंटरचेंज करके, तब क्या होगा कि वो हमेशा के लिए स्वैपिंग होगी। तो आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि एक पहले तो जानेंगे कि पॉइंटर है क्या। पॉइंटर का नीड हमें यहाँ पता चल गया कि जैसे ही हमें एक्चुअल आर्गुमेंट्स में छेड़छाड़ करना होगा हमेशा के लिए, एड्रेस को इंटरचेंज करना होगा, तब तो हमें पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कैसे डिक्लेयर करेंगे, आखिर एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे और सारे वीडियोज आप देखना चाहते हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।